हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अर्जुन के विश्वकर्मा। और मैं इस वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जानकारी के हिसाब से। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखना, अगर अभी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले आइए चलते हैं इस वीडियो पर, जो आपको लेके चलेगी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। अब पहली बात आती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स आखिर आया कहाँ से है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं वो तीन हैं। एक तो स्केयर रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं और इसके अल्टरनेटिव यूजेज़ हैं। स्केयर रिसोर्सेज मतलब दुर्लभ संसाधन जिनका इस्तेमाल करने पर वो ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको लिमिटेड बोल सकते हैं। जितने भी मटेरियल या इमटेरियल गुड्स हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं, और हमारी इच्छाएँ जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि जितना भी रिसोर्सेज दे दिया जाए, जितना भी पैसा दे दिया जाए, जितने भी कपड़े दिए दिए जाएँ, वो कम ही होंगे हमारे लिए हमेशा, ठीक है। और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, यानी वैकल्पिक प्रयोग। बहुत सारा इस्तेमाल एक वस्तु से किया जा सकता है, जैसे एक लैंड है, एक ज़मीन है, भूमि का टुकड़ा है, तो उसका उपयोग हम चावल के उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, गन्ने के उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं। अब जैसे बिजली है, तो बिजली का इस्तेमाल हम बल्ब जलाने, पंखा चलाने, टीवी, कूलर, यानी कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि एक ही रिसोर्सेज है बिजली और उसके बहुत सारे इस्तेमाल है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट यूजेस। तो इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स से ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और इन तीनों प्रॉब्लम्स में चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स मेन है। यानी कि हमें इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर ही चॉइस करनी पड़ती है कि स्केयर रिसोर्सेज हम कैसे इस्तेमाल करें, अनलिमिटेड वॉन्ट्स में से कौन सी वॉन्ट्स को हम पहले सेटिस्फाइड करें, किसको प्रेफर करें, किसको प्रायोरिटी दें पहले, अल्टरनेटिव यूजेज में जो जो हम गुड्स या जो भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उनमें से कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड हैं। एक लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से हम अपनी सारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसमें चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स की समस्या उत्पन्न होती है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये तीन जो केंद्रीय समस्याएँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ठीक है। अब देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में चॉइस ऑफ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो पहली समस्या हमें ये आती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, और दूसरी आती है कि कितनी मात्रा में आखिर किया जाए, है ना। अब ज़्यादा भी नहीं कर सकते हम, कभी कम भी नहीं कर सकते, वरना सप्लाई और डिमांड जो बाज़ार शक्तियाँ हैं वो क्या करेंगी, मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगी और स्मूथली फंक्शनिंग में ये थोड़ा इंटरफेयर करेंगी, ठीक है। तो अब बात आते हैं कि कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल या कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो अब अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, होती तो बहुत सारी हैं, पर प्रोड्यूसर दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, एक तो पूंजीगत वस्तुएं और एक आवश्यक वस्तुएं, यानी कि नेसेसरी गुड्स। अब पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग लाई जाती हैं और जिनकी कीमत भी बहुत महंगी होती है, और नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तुएं जो उपभोक्ता को एक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक होती हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूँ, ठीक है। ये सारी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं में आएंगी जो किसी एक व्यक्ति को जीवन के लिए, उसके लाइफ स्टैंडर्ड के लिए, जीवन स्तर के सुधार के लिए ये वस्तुएं ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अब बात आते हैं कि इन दोनों वस्तुओं में वो कौन सी वस्तु का चुनाव करे। अगर वो पूंजीगत वस्तुओं का चुनाव करता है या फिर चुनता है कि मैं पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करूँगा, तो पूंजीगत वस्तुएँ महंगी होती हैं, बाज़ार में अगर वो किसी अर्थव्यवस्था में बेचेगा तो उसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। पर अगर वो पर क्या होगा, जो अमीर गरीब लोग हैं वो नेसेसरी गुड्स का उत्पादन ये प्रोड्यूसर कर नहीं रहा है, तो जिससे हमें ये लग रहा है, यानी कि ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और नेसेसरी गुड्स का कम हो रहा है। अब ये मान के चलो किसी अर्थव्यवस्था में मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप ये ज़्यादा हैं और दाल, चावल, गेहूँ इन सबका उत्पादन बहुत कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लोगों को जो जीने के लिए आवश्यक है उनकी वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। यानी कि अगर हम नेसेसरी गुड्स का कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो जीवन स्तर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीवन स्तर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, पैसा आएगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और GDP भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। पर यहाँ पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में एक और समस्या आती है कि लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वो नेसेसरी गुड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जीवन स्तर में तो सुधार आएगा, ठीक है, जीवन स्तर हमारा जो होगा वो हाई हो जाएगा,
क्योंकि दाल चावल गेहूँ ये यही सारी चीज़ें आवश्यक वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो इन वस्तुओं को इस्तेमाल करने पर जीवन स्तर में सुधार आएगा, परंतु जो पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं, ये गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, ये दोनों व्यक्तियों को चाहिए। और समाज कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए नेसेसरी गुड्स की ज़रूरत है। और अगर किसी देश को पैसे कमाना हो, उसका ग्रोथ करना हो, तो पूंजीगत वस्तुओं का। अब एक अर्थव्यवस्था में ये तो नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ करे और लोग भूखे मर रहे हों, तो इसीलिए दोनों वस्तुओं में एक प्रॉब्लम्स है कि कौन सी वस्तुओं का आखिर इस्तेमाल करें, पूंजीगत वस्तुओं का या नेसेसरी गुड्स का इस्तेमाल करें। और इनकी कितनी मात्रा में किया जाए ये भी है कि अगर पूंजी वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो जीडीपी बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, पर यहाँ सामाजिक कल्याण क्या होगा, बिल्कुल कम होगा और लो होगा, ठीक है। पर अगर नेसेसरी गुड्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सामाजिक कल्याण बिल्कुल ठीक होगा, लोगों का जीवन स्तर होगा, पर देश की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या उत्पादन किया जाए, ये प्रॉब्लम्स ही हैं पूंजीगत और नेसेसरी गुड्स में कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब जो दूसरी प्रॉब्लम्स है वो आती हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये जो चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं ये तकनीक से प्रॉब्लम्स हैं। पहली है श्रम प्रधान तकनीक और एक है पूंजी प्रधान तकनीक। कि आखिर हम जो प्रोड्यूस करें वो किस विधि से करें, किस मेथड से करें, किस टेक्नोलॉजी से करें। तो पहला है श्रम प्रधान तकनीक, जहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है पूंजी की अपेक्षा, और पूंजी प्रधान तकनीक में जहाँ पर लेबर का कम इस्तेमाल किया जाता है पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल। यहाँ पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनरीज आ जाएंगी बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में चयन की समस्या है कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में या पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर कोई भी उपभोक्ता श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करता है, यानी कि जहाँ पर वो लेबर से काम चला रहा हो, लेबर को लगा कर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हो, तो सिंपल सी बात है इसका एक फ़ायदा भी होगा और उसके नुकसान भी होंगे। फ़ायदा ये होगा कि जो बेरोज़गारी है वो तो कम हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि अगर श्रम प्रधान यानी कि लेबर काम कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत धीमी गति से होगा, प्रोडक्शन जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो रही हैं कि बेरोज़गारी कम हो जाएगी, रोज़गार बढ़ जाएगा, सभी लोगों को काम मिल जाएगा, पर प्रोडक्शन टाइमिंग कंज्यूम है, यानी कि हम 2-3 दिन में जितना भी मशीनों से हम कर रहे थे उतना अब लेबर का उपयोग करके कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा बहुत धीमा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो जीडीपी होगी वो देश की यानी गुड्स एंड सर्विसेज इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमारी जीडीपी जितना बढ़नी चाहिए पूंजी प्रधान तकनीक में उससे कम बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी मशीनरों का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे क्या होगा जो प्रोडक्शन है वो तो हमारा बूस्ट होगा, ठीक है, तेज़ी से बढ़ेगा। पर देखा जाए कि अगर प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हम मशीनरों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर का कम कर रहे हैं, तो ये देश में बेरोज़गारी की स्थिति को पैदा करती है, ठीक है। यहाँ आप क्या होगा, देश बेरोज़गारी की स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैं श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें एक प्रोड्यूसर की पूंजी प्रधान तकनीक का। श्रम प्रधान तकनीक कर रहा है तो बेरोज़गारी खत्म हो रही है, पर प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए जीडीपी देश की नहीं बढ़ पाएगी। अगर पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन तो बूस्ट होगा ही, कम समय में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगी, पर देश को बेरोज़गारी की समस्या भी झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए एक ये समस्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए, तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए यानी कि किसी व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पर। तो समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो वर्ग के लोग होते हैं। पहले एक होता है रिच पीपल यानी कि धनी, और एक होते हैं निर्धन। तो प्रोड्यूसर को ये यहाँ पर
2400 प्रॉब्लम्स आ रही है, चुनने की समस्या आ रही है कि आखिर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए करें, अमीर लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए। तो अगर हम अमीर लोगों के लिए करते हैं तब क्या होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस वो रखेंगे वो अमीर लोग देने के लिए तैयार होंगे, कोई भी कीमत होगी वस्तुओं से वहाँ की वो पे करने के लिए तैयार होंगे, यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर को ज़्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट यहाँ बढ़ेगा अगर वो अमीर ऐसे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं जो अमीर जो हैं उसकी वो मांग कर रहे हैं, तो अगर उन वस्तुओं का प्रोड्यूस करने पर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। पर अगर देखा जाए तो यहाँ गरीबों का क्या होगा, सामाजिक कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जो धनी लोग मांग रहे हैं, और धनी लोग ज़्यादातर आरामदायक लग्जरीज गुड्स की डिमांड करते हैं, यानी कि एसी हो गया, सोफ़ा हो गया, या फिर इन सारी जैसी वस्तुओं, आरामदायक वस्तुओं का, ठीक है। और निर्धन लोग ज़्यादातर आवश्यक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, आवश्यक वस्तुओं की डिमांड करते हैं, जैसे गेहूँ चावल जो जीने के जीवन के लिए आवश्यक होगा। और अगर व्यक्ति सिर्फ धनी लोगों के लिए ही कर रहा है तो इसका मतलब अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगी तो ये निवेश करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और निवेश करेंगे तो यहाँ जीडीपी भी भारत की बढ़ेगी या किसी भी देश की बढ़ेगी। पर यहाँ सामाजिक कल्याण क्या होगा, सामाजिक कल्याण की अवहेलना होगी। तो इसीलिए धनी और निर्धन के बीच में चुनना कि किसके लिए हम इन वस्तुओं का उत्पादन करें, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल समस्या है भारत किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। और ये तीन समस्याएं हैं, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।